ट्यूबरेज कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। सो आज का टॉपिक है एक अफ्रीकन कंट्री घाना के बारे में कि भारत से आप कैसे घाना एक्सपोर्ट करोगे, हाउ टू एक्सपोर्ट टू घाना फ्रॉम इंडिया। सो हमारे चैनल काफ़ी कंट्रीज के बारे में एक्सपोर्ट कैसे करोगे उसके बारे में हम लोग काफ़ी वीडियो बना चुके हैं और हर कंट्री का वीडियो हम बनाते जा रहे हैं। तो हमारा जो आगे का वीडियो जो कंट्री का हम बना चुके हैं हाउ टू एक्सपोर्ट टू डिफरेंट कंट्रीज, आप हमारा वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में जाके उनका लिंक देख लीजिए। सो आज डिस्कस करेंगे घाना के बारे में। घाना एक अफ्रीका का एक देश है जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है। सो घाना का जो नेबरिंग कंट्रीज है टोगो है, बुर्किना फासो है, उनका जो आइवरी कोस्ट है, बहुत सारे जो उनका नेबरिंग कंट्रीज है, और उनका जो सी है द गल्फ ऑफ गयना और अटलांटिक सी है। सो घाना जो है एक वन ऑफ ए लाइक इकोनॉमिक उनका तेजी से ग्रो हो रहा है घाना में। घाना का जो डायस्पोरा यानी घाना का जो घानियंस जो वर्ल्ड वाइड बसे हुए थे अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन में, आजकल काफ़ी सालों से करीब 10 सालों से घाना रिटर्न आ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि घाना का पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। घाना का पॉपुलेशन है करीब 2.90 करोड़ के करीब है और करीब घाना में करीब 10,000 इंडियंस आ चुके हैं, बस गए हैं। काफ़ी इंडियंस वहाँ घानियन नेशनलिटी लेके रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। ज़्यादा करके जो बिजनेस मैन है, बिजनेस लोग, बिजनेस हाउसेस है, इंडिया से हैं, घाना में बिजनेस कर रहे हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे घाना आप कैसे इंडिया से एक्सपोर्ट करोगे, क्या एक्सपोर्ट करोगे, घाना कैसे आप ट्रैवल कर पाओगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो आइए हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। सो घाना आप पहले हम बात करेंगे कि घाना के बारे में। घाना एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है, उसमें करीब 2.90 करोड़ के लोग रहते हैं, लोग उनका पॉपुलेशन है। इंडियंस का जो पॉपुलेशन है, इंडिया का जो नंबर्स है, करीब 10,000 इंडियंस है और ज़्यादा करके इंडियंस वहाँ बिजनेस कर रहे हैं। तो घाना का जो पोर्ट है करीब दो बड़ा पोर्ट है और एक उनका अंडर कंस्ट्रक्शन है और काफ़ी 5 एयरपोर्ट है उनका और दो, एक उनका जो अक्रा में लोकेटेड है, कोटाक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अक्रा, उनका जो अक्रा जो उनका राजधानी है, कैपिटल है, वो बड़ा एयरपोर्ट है और इंटरनेशनल जो कार्गो हैंडल करता है। तो इंडिया से अगर आप कार्गो में भेजोगे बाय एयर कार्गो तो आपको अक्रा में जो कोटाक अक्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके वहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा एयर कार्गो के लिए। और उनका पोर्ट का जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पोर्ट का डिटेल्स। और घाना का जो करेंसी है घानियन छेडी है, घानियन छेडी का जो उनका जो वैल्यू है, 1 घानियन छेडी इंडिया का करीब 12.65 रुपया आज के डेट में मिलता है क्योंकि घाना काफ़ी मात्रा से गोल्ड एक्सपोर्ट करता है और कोकोआ एक्सपोर्ट करते हैं, कॉफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे मेटल्स और बहुत सारे जो मिनरल्स एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए उनका कंट्री में उनका जो कंट्री का जो करेंसी का वैल्यू है ज़्यादा है इंडिया से और पॉपुलेशन के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से एक्सपोर्ट उनका ज़्यादा रहता है, इन जो प्रोडक्ट बता दिया, इसलिए उनका करेंसी थोड़ा हाई है। सो घाना में फिलहाल अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब ज़्यादा नहीं है उनका सिटीजन को, लेकिन बिजनेस वहाँ बहुत सारे ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। आगे हम वीडियो बनाएंगे कि द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन घाना। फिलहाल हम बता रहे हैं, बात कर रहे हैं हाउ टू एक्सपोर्ट टू घाना। सो आगे हम बात करेंगे कि घाना में करीब 12 इंडियन रेस्टोरेंट्स खुल चुका है क्योंकि काफ़ी मात्रा से वर्ल्ड वाइड करीब 10 लाख टूरिस्ट हर साल घाना ट्रैवल करते हैं। बहुत सारे इंडियन हर साल जाते हैं, गुजरात से, दिल्ली से और साउथ इंडियन से लोग जाके वहाँ दुकान खोल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है घाना में। और आगे हम बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि घाना आप क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया से। इससे पहले मैं बात करूंगा कि घाना में वीज़ा के बारे में, भारतीयों यानी इंडियन सिटीजन वहाँ जाके अगर आप वहाँ विजिट करोगे उसके लिए वीज़ा के बारे में आपको बताऊंगा। घाना में जो दो टाइप का वीज़ा होता है, एक तो है टूरिस्ट वीज़ा, एक है बिजनेस वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा है जो आपको 3 महीना आप वहाँ रुक सकते हैं। अगर आप इंडिया में, घाना का एम्बेसी है दिल्ली में और मुंबई में घाना का जो कॉन्सुलेट जनरल है, आप कहीं से भी दिल्ली में जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया या साउथ इंडियन हो, आप कॉन्सुलेट ऑफ घाना मुंबई में अप्लाई कर सकते हो। नॉर्दर्न इंडिया
और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लोग जाके आप घाना एम्बेसी दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा। 3 महीने का वीज़ा जो है, 3 महीने आप रुक सकते हैं अगर आप बिजनेस के लिए जाते हो। 3 महीने का वीज़ा का कॉस्ट है करीब 8,500 रुपया। और एक वीज़ा है 6 महीने का बिजनेस वीज़ा और एक साल का बिजनेस वीज़ा। ये मल्टीपल एंट्री है, जैसे कि 6 मंथ का वीज़ा आपको मिलेगा, उसका कॉस्ट है 17,000 रुपया इंडिया का, 17,000 रुपीज़। तो 6 महीने में आप कभी भी जा सकते, कभी भी आ सकते, मल्टीपल एंट्री वीज़ा है। 1 साल का वीज़ा जो है करीब 25,000 रुपया। तो 25,000 रुपया देके आप वीज़ा 1 साल का ले सकते हैं एम्बेसी से। आप एनी टाइम जा सकते हो, 1 साल में कभी भी जा सकते हो, कभी भी आ सकते हो, आपका बिजनेस सिलसिले में। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा घाना का जो टॉप बड़े होलसेलिंग मार्केट्स, जहां पर आप जाके ढूंढ सकते हैं बायर्स, ठीक है। क्योंकि घाना में बहुत सारे जो प्रोडक्ट इंडिया से जाता है, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो आपको मैं फिलहाल वीज़ा के बारे में बता दिया, वीज़ा आपको कहाँ मिलेगा और कौन सा एयरलाइंस एक्रा जाती है। एक तो एमिरेट्स जाती है इंडिया से, एयर इंडिया भी जाती है, एयर इंडिया और एमिरेट्स इंडिया से जाती है वाया दुबई। और आपको इथियोपियन एयरवेज से जा सकते हो वाया अदिस अबाबा। केनियन एयरलाइंस लंबा पड़ जाएगी आपको, केनियन एयरलाइंस आपको केनिया नैरोबी टू एक्रा बहुत लंबा पड़ जाएगी, लेकिन आपको आपके लिए ईजी होगा एमिरेट्स एयरलाइंस मुंबई डेली टू दुबई, दुबई टू एक्रा। सो मैं आपको बता दिया आप कैसे आप घाना जाओगे अगर आप बिजनेस सिलसिले में जाना चाहते हो। तो अभी हम बात करेंगे आप इंडिया से क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए इंडिया से मेन प्रोडक्ट जाता है इंडिया से, वो है राइस। घाना का लोग ज़्यादा राइस खाते हैं। और एक भूल गया, घाना का जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ बोलते हैं फुल्ली लोग। वहाँ का 50 के ऊपर 50 लोकल लैंग्वेज है कंट्री में, लेकिन इंग्लिश वाइडली बोला जाता है। करीब 80% लोग को इंग्लिश समझ में आता है और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स काफ़ी है। और बाकी जो 30% लोग फ्रेंच बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। तो आप अगर घाना जाओगे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, आखिर वहाँ इंग्लिश बोला जाता है, इंग्लिश बोलते हैं। अभी हम बात करेंगे कि क्या प्रोडक्ट आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट है राइस, शुगर, आटा और जितना सारा सूप प्रोडक्ट, सीरियल्स प्रोडक्ट, दाल वगैरह जितना आता है, ये सब प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए मैं कुछ प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट का लिस्ट दिखा रहा हूँ, लेकिन इसका जो पूरा जो लिस्ट है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा ताकि आपको मालूम पड़ेगा इंडिया से आप क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आइए मैं दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट है राइस, आपको बता दिया मैंने, राइस, शुगर, राइस हो गया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मेडिसिन वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCG गुड्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंडिया का जो राइस हो गया, कसाब हो गया, बीन्स हो गया, यम सूप का हो गया, टोमेटो सॉस, मीट, फूड, फुल स्टॉप, जितने सारे प्रोडक्ट आप ले सकते हो। और एक है ह्यूमन हेयर और विग वगैरह जो वहाँ अफ्रीकन लोग यूज करते हैं, स्किन प्रोडक्ट्स, ब्राइडल ड्रेसेस और क्लीनिंग केमिकल्स एंड प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स, व्हीकल्स, आयरन स्टील, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, जितना सारे प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रोडक्ट को मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ जितना डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, तो आपको ईजी हो जाएगा कि डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो कि क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया से जाती है। अगर आप उसी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हो फिर आप तैयार हो जाइए घाना एक्सपोर्ट करने के लिए। तो घाना का जो मैंने बता दिया एक प्रोडक्ट, तो फर्स्ट और घाना का देखिए, अफ्रीका में कोई भी कंट्रीज के लोग जो है, जो फीमेल जो है वहाँ का वुमेन, फीमेल लोग ज़्यादा करके जो वीक हेयर वीक जो यूज करते हैं, और आप इंडिया से ह्यूमन हेयर और वीक वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अफ्रीकन का जो फीमेल है ज़्यादा करके यूज करते हैं जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह, स्किन प्रोडक्ट वगैरह यूज करते हैं। तो इंडिया से आप जितना सारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट और स्किन प्रोडक्ट और ब्यूटी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लिपस्टिक वगैरह वहाँ बहुत चलता है, और जितने सारे ब्यूटी प्रोडक्ट आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये फास्ट मूविंग में चले जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल यूज होता है, मोबाइल और टेलीविज़न, रेडियो, ये सब जो है अभी भी चलता है, रेडियो वगैरह, और रेडियो जो गांव-गांव में सुना जाता है, तो रेडियो भी चलता है और टेलीविज़न भी अभी भी वहाँ क्रेज है, टेलीविज़न चलता है, और मोबाइल फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है। तो ये आपको जो जितना प्रोडक्ट मैंने बता रहा हूँ ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में उनको कॉपी पेस्ट करके सर्च कर लीजिए, फिर आप रेडी हो जाइए।
और आप एक्सपोर्ट के लिए रेडी हो जाइए इंडिया से। सो घाना जो है इंडिया से करीब 8600 किलोमीटर है बाई एयर, एयर रूट है 8600 किलोमीटर है। सो जो आपको मैं नीचे दिखा रहा हूँ कोगोपोर्ट डॉट कॉम जो है एयर का कार्गो का प्राइस है, सी कार्गो का प्राइस है, और आप ये कार्गो का पूरा प्राइस आपको मिल जाएगी। तो आप सर्च कर लीजिए आपका जो इंडिया का पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, मुद्रा पोर्ट है, कोई भी पोर्ट आपसे आप डील कर रहे हो, वहां से आकरा का जो पोर्ट है, घाना का पोर्ट आप कैलकुलेट कर लीजिए। नीचे का जो मैं वेबसाइट दिखा रहा हूँ आपको, ये कोगोपोर्ट.com, हमेशा आप कार्गो का प्राइस देख लीजिए, एयर कार्गो कार्गो सी कार्गो का प्राइस देख लीजिए, पैकेजिंग वगैरह देख लीजिए। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये हो गया आपको दिखा दिया। और दूसरा बात है कि घाना का, घाना में कैसे आप ऑर्डर लोगे, कैसे आपको बायर मिलेगा। तो मैंने घाना का जो बिजनेस डायरेक्टरीज, घाना का जो क्लासिफाइड साइट्स, घाना का जो B2B ट्रेड पोर्टल्स वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, जितना सारे घाना का प्राइसेस, घाना का साइट्स आता है, क्योंकि स्क्रीन में दिखाना संभव नहीं होता, क्योंकि काफ़ी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए पूरी साइट को मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाके पूरी साइट को कॉपी पेस्ट कर लीजिए और हर साइट में जाके आप एक्सपोर्टर आप रजिस्टर करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज प्राइस वगैरह ऐड कर लीजिए, ताकि घानियन इम्पोर्टर्स को आपका कंपनी का डिटेल्स दिखाई दे, ये बहुत ज़रूरी है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए B2B साइट्स बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ घाना, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा बात है, घाना में अक्रा में बहुत सारे एक्सपो होता है, एक्सपो में अगर आप जाओगे तो एक्सपो में अगर आप जाके एज ए विजिटर या एज ए पार्टिसिपेंट जाके आप ज्वाइन करोगे तो आपको काफ़ी ऑर्डर मिल सकता है, क्योंकि इंडिया ज़्यादा करके एक्सपोर्ट करता है घाना चाइना के बाद। तो आप एक बार एक्सपो में जाइए, एक्सपो का जितना सारे साइट्स है, एक्सपो का जितना सारे एक्सपो और एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर्स जितने सारे हैं जो घाना में ऑपरेट करते हैं, घाना में होता है, कौन सा मंथ में कौन सा डेट में, मैं पूरी एक्सपो का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। आप जाके डिस्क्रिप्शन में वीडियो का कॉपी पेस्ट करके आप चेक कर लीजिए आपका प्रोडक्ट क्या है और कौन सा प्रोडक्ट का एग्जीबिशन अक्रा में हो रहा है, उस हिसाब से आप वीजा लेके चले जाइए। और अगर आपके पास बजट है फिर आप स्टॉल लीजिए, प्रोडक्ट का सर्विसेज का स्टॉल लीजिए, फिर आप कस्टमर आपका बायर 100% मिल जाएगी। अगर आप बजट नहीं है फिलहाल, आप घूमना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं मार्केट, फिर आप वीजा लेके चले जाइए और आप जाके वहाँ पर मार्केट का जो ट्रेड का जो एक्सपो देख लीजिए। और बाकी जो मैं डिस्क्रिप्शन में होलसेलिंग मार्केट दिखा दूंगा, वहाँ ऐड कर दूंगा, वहाँ पर जाके आप ऑर्डर ले सकते हैं, वहाँ काफ़ी सारे इंडियंस बिजनेस कर रहे हैं और आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वहाँ का लोग इंग्लिश समझते हैं। तो मैंने आपको पूरी डिटेल्स बता दिया, एक्सपो साइट्स और B2B ट्रेड पोर्टल्स ऐड कर देता हूँ, वीजा का डिटेल्स आपको बता दिया। आप घाना का एक्सपोर्ट करने को तुरंत रेडी हो जाइए। और घाना में अगर आपके पास बजट है, घाना बहुत सारे प्रोडक्ट, खाना पीना का जो खाने पीने का चीज़ जो इंडिया से ग्रोसरी प्रोडक्ट जाता है, खाने पीने का जितना सारा स्नैक्स होता है, और वहाँ खाना, घाना जो है कैथलिक कंट्री है, क्रिश्चियन कंट्री है, तो वहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट वो यूज करते हैं इंडिया से, जैसा कि ब्रेड रिलेटेड प्रोडक्ट और केक्स वगैरह यूज होता है, और कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट यूज होता है, बिस्किट्स चॉकलेट्स वगैरह यूज होता है, तो ये सब प्रोडक्ट आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो, जितना सारे इंडिया का स्नैक्स है। और घाना में और एक है, घानियन लोग जो है टोमेटो पेस्ट बहुत सारा यूज करते हैं, टोमेटो पेस्ट। सो इंडिया से अगर आप कैंड, बड़ा बड़ा जो कैंड का टोमेटो का पेस्ट आप भेज सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो वहाँ बहुत चल जाएगी, क्योंकि वहाँ का लोग ज़्यादा करके वहाँ का जो उनका जो सब्जी और जितना सारे चिकन डिशेस होता है उसमें यूज करते हैं। तो आप जितने सारे टोमेटो पेस्ट वगैरह, सॉसेस वगैरह इंडिया से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जितना सारे एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट में ऐड कर देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए और कॉपी पेस्ट करके स्टार्ट कर लीजिए। दूसरी बात है, अगर घाना में आपके पास बजट है, आपके पास, आप एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, आपका पैसा है, तो घाना में आप जाके वेयरहाउस ले लीजिए, आपका दुकान ले लीजिए, तो रिटेल भी चलेगा, वेयरहाउस से आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, राइस शुगर आटा वगैरह वहाँ बहुत चलता है, और सूजी चलता है, जितना सारे प्रोडक्ट आप होलसेलिंग भी कर सकते हो। और घाना का जो पास का पूरे नजदीक कंट्री है टोगो में भी आप एक्सपोर्ट, टोगो का जो, टोगो छोटा कंट्री है, टोगो से लोग आके अकरा से लेके जाते हैं,
तो टोगो से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, टोगो घाना से टोगो आप कर सकते हैं, बुकिना फासो है, नेबरिंग कंट्रीज बहुत सारे हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, री एक्सपोर्ट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर कर सकते हैं, रिटेल भी कर सकते हैं। घाना में अगर आप खुद का बिजनेस रजिस्टर करके करना चाहते हैं, घाना में थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, $10,000 के अबव जाता है रजिस्ट्रेशन वगैरह, क्योंकि घाना का जो आपके पास घाना का पासपोर्ट नहीं है, इसलिए घानियान का जो पासपोर्ट होल्डर को लेना पड़ेगा साथ में, फिर वो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देगा, या आप 100% भी कर सकते हैं तो पैसा ज़्यादा लगेगा, अगर आप घानियान पार्टनर को लेते हैं तो कम पैसा लगेगा, खुद लेंगे तो खुद आपका खुद का 100% कंपनी करना चाहते हैं तो $10,000-$15,000 खर्चा आएगा, आप खुद का कंपनी बना के आप बिजनेस कर सकते हो। हमारा कंपनी ट्यूबलेस कॉरपोरेशन जो जितना एक्सपोर्टर है ट्रेडर्स है उनको मदद करता है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। अगर घाना में आपको कुछ भी प्रोडक्ट का सेल्स मार्केटिंग चाहिए, उनका प्रोडक्ट प्रमोशन चाहिए, ब्रांडिंग चाहिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्मेशन, कोई भी बिजनेस सेटअप चाहिए, आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, नीचे जो दिया हुआ ईमेल आईडीज में आप हमें लिखिए, हम आपको पूरी मदद करेंगे, हम आपको कोटेशन बता देंगे कितना खर्चा आएगा घाना में जाके आपको सेटअप के लिए, या कोई भी बिजनेस सेटअप के लिए, या घाना में अगर आप एक्सपो में जाना चाहते हो फिर हम आपको मदद करेंगे एक्सपो में जाके कैसे आपको प्रोडक्ट लेके कैसा डिस्प्ले करना है, कैसा बात करना है, और घाना में आपको लोकली हम आपको इंटरप्रेटर जो दिला देंगे जो लोकल लैंग्वेज बात करके आपका सेल्स को आगे बढ़ा सके। तो आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, आगे हम बहुत सारे कंट्रीज का वीडियो बनाते रहते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे बहुत सारे जो कंट्रीज वीडियो बना चुके हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट टू रशिया, हाउ टू एक्सपोर्ट टू यूक्रेन, हाउ टू एक्सपोर्ट टू दुबई, उनका लिंक आपको मिल जाएगी, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर है हमारे वीडियो में, अगर आप एक एक्सपोर्ट करना चाहते हैं भारत से, आपको मालूम नहीं आपको एक्सपोर्ट कैसा करना है, हम पहले वीडियो बना चुके हैं कि कैसे आप इंडिया से एक्सपोर्ट करोगे, हम बना चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा जो हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, आप वो लिंक में क्लिक करके हमारा पुराने वाले वीडियो में जाइए, आपको पूरी तरह आपको समझ में आ जाएगी भारत से कैसा एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। खाली आपको ₹250 का एक लाइसेंस चाहिए, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड जो है उसके आधार पर आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया से एक्सपोर्ट आगे बढ़ाइए दुनिया, हम पूरी दुनिया का जो वीडियो बनाते हैं, पूरी वर्ल्ड का कंट्रीज का, पूरा वर्ल्ड का हर कंट्रीज का वीडियो बनाते हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट टू डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम इंडिया, हर दिन हम वीडियो बनाते रहते हैं, आप हमारा वीडियो देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए तो आपको पूरी तरह मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी कंट्रीज क्या क्या इम्पोर्ट करते हैं, फिर आप उनका कंपिटिटर कौन है, आप इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट कर पाओगे पूरी तरह आपको मालूम पड़ जाएगी, फिर आप एक्सपोर्ट शुरू कर दीजिए भारत से, तो जितना एक्सपोर्ट आप करोगे हमारा भारत का इकोनॉमिक आगे बढ़ेगा, हमारा करेंसी का वैल्यू आगे बढ़ेगा, हमारा देश में ज़्यादा नौकरी मिलेगा लोगों को, क्योंकि एक्सपोर्ट जितना बढ़ेगा हमारा देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, तो हमारे जो देश का जो नौजवान है उनको नौकरी मिलते रहेगा। आज हमारे देश में जो नौकरी नहीं है, नौकरी का प्रॉब्लम है चल रहा है बिकॉज ऑफ नो मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में काफ़ी कम है पॉपुलेशन के हिसाब से, इसीलिए आप जितने एक्सपोर्ट करोगे वर्ल्ड वाइड तो आप हमारे देश में उतने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, इकोनॉमिक आगे बढ़ेगा। अगर आप एक फैक्ट्री ओनर हो, इंडिया में कोई फैक्ट्री आपके पास है और आप इंडिया के अंदर ही बिजनेस कर रहे हो, तो आप इंडिया जैसे कि आपका कोई भी फैक्ट्री आपके पास, कोई फैक्ट्री कुछ भी आप प्रोडक्शन आपके पास है और आप इंडिया के अंदर ही आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सेल करते रहते हैं आपको प्रोडक्ट को और आप खुश है, लेकिन आप क्या करिए, एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करिए और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका रहेगा, आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर लीजिए ताकि आप इंडिया के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, वर्ल्ड वाइड आपका प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसमें आपको फायदा है, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा एक्सपोर्ट में और हमारे देश को भी फायदा मिलेगा, हमारे नौजवान को नौकरी मिलेगा। आशा करते हैं हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा आपको, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप वीडियो को शेयर करिए आपका फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, आगे हम बहुत सारे और वीडियो बनाते रहते हैं, आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब करोगे तो आगे का वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तब तक हम विदाई लेते हैं आपके आपसे और आगे का वीडियो में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू और जय हिंद।